तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोबारा से डॉल्बी डिजिटल प्लस एडवांस ऑडियो, ये एक न्यू ड्राइवर है, उसको लेकर गया हूँ। अनसपोर्टेड पीसी, लैपटॉप, विंडोज़ पीसी पे उसको कैसे इंस्टॉल करना है। देखिए, इससे पहले मैं एक डॉल्बी एटमोस का वीडियो कि अनसपोर्टेड डिवाइस पे कैसे यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल पर डाल रखा है, जिसे आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे क्यूरीज भी आ रही हैं कि मेरे सिस्टम ये इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, या तो इंस्टॉल हो रहा है लेकिन ऑडियो नहीं आ रहा है। तो ये ड्राइवर आप यूज़ करो, डेफिनेटली ये वर्क करेगा। ये देखिए, ये विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 पे वर्क करेगा। हाँ, इसके लिए आप अपने कंप्यूटर में जो अपडेट्स आए होंगे ना, सबसे पहले वो ज़रूर से कर लेना। अपडेट कर लेने के बाद नीचे लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करना। ये जिप फाइल मिलेगा, इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट, तो सबसे पहले अपने सिस्टम का एक रीस्टोरिंग पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ पर आप सर्च बार पे क्रिएट रीस्टोर पॉइंट क्लिक करो और यहाँ से क्रिएट, यहाँ पर कोई नाम दे देते हैं, बिफोर डॉल्बी एटमॉस। ठीक है, और उसके बाद क्रिएट क्लिक कर देते हैं। तो रीस्टोरिंग पॉइंट क्रिएट हो गया है। अब किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम सिस्टम को रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर डिजिटल प्लस है, यहाँ पर 32 बिट, 64 बिट, दोनों में से जो हो आप वो चूज़ कर लेना आप सिस्टम के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर ड्राइवर्स मिलेंगे और यहाँ पर एक सेटअप फाइल मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है एडवांस स्टार्टअप में। तो इसके लिए शिफ्ट कीबोर्ड के जो शिफ्ट की है उसको प्रेस किए हुए रहना और सिस्टम को रीस्टार्ट करना, तो आप सीधे एडवांस स्टार्टअप पे बूट कर जाओगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ से आप ऑल सेटिंग्स पे जाओ, उसके बाद यहाँ से अपडेट पे और यहाँ से रिकवरी, फिर यहाँ से आप एडवांस स्टार्टअप पे बूट कर सकते हैं। यहाँ पर रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे, सीधे एडवांस स्टार्टअप पे चले जाओगे। ठीक है, तो ये रहा एडवांस स्टार्टअप। इस पर बूट करते ही आप यहाँ पर ट्रबल शूट, इस पर क्लिक करना, फिर यहाँ एडवांस ऑप्शन और यहाँ से स्टार्टअप सेटिंग, इस पर क्लिक करना, फिर यहाँ से रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई देंगे, इसमें 7 नंबर पर देखो डिसेबल्ड ड्राइवर सिग्नेचर इन्फोर्समेंट। अपने कीबोर्ड पे F7 या 7 नंबर का की है उसको प्रेस करना, सिस्टम ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पर आप राइट क्लिक करो, मैनेज पे क्लिक करो, यहाँ से डिस्क मैनेजर, फिर यहाँ से साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोल पे जाओ, यहाँ पर रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो पे राइट क्लिक करो, अपडेट पे क्लिक करो, यहाँ ब्राउज माई कंप्यूटर, लेट मी पिक, फिर हैव अ डिस्क, उसके बाद यहाँ से ब्राउज करो और डेस्कटॉप पे आप रखे हो अगर एक्सट्रैक्ट करके तो सीधे उस फोल्डर पे चले जाना, फिर यहाँ से 32 बिट या 64 बिट जो हो आपका सेलेक्ट कर लो, यहाँ से ड्राइवर पे जाओ और यहाँ पर डिजिटल प्लस डबल ए है और डिजिटल प्लस AHT है, तो डिजिटल प्लस को आप डबल ए वो चूज़ कर लो और ओके कर दो। यहाँ पर दो ऑप्शन फिर यहाँ पर दिखाई देंगे, डॉल्बी डिजिटल प्लस एडवांस ऑडियो और डॉल्बी डिजिटल प्लस होम थिएटर, तो फर्स्ट वाले को चूज़ करना, डॉल्बी डिजिटल प्लस एडवांस ऑडियो, फिर नेक्स्ट करना, यस करना। यहाँ पर आपको पॉपअप इस तरह का आ जाएगा, इंस्टॉल दिस ड्राइवर सॉफ्टवेयर एनी वे पे क्लिक कर देना, ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद इसको क्लोज कर दो, सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना, मैं नहीं कर रहा, आप रीस्टार्ट कर लेना, फिलहाल मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको अब दिखाई देगा डॉल्बी डिजिटल प्लस एडवांस ऑडियो। ठीक है, तो सिस्टम को जब रीस्टार्ट आप कर लोगे तो फिर से इस फोल्डर पे आना, यहाँ पर फिर 64 बिट का किए हो तो 64 बिट वाले सेटअप पे चले जाना और यहाँ पर डॉल्बी डिजिटल प्लस डबल ए इसको सेलेक्ट करना, यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेना, ये सेटअप फाइल है, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। ठीक है, फिनिश कर देना। उसके बाद यहाँ पर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करो और यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस फॉर गेमिंग का ये जो लोगो है, ये आइकन आपको दिखाई देगा, ये रहा डॉल्बी एटमॉस, सक्सेसफुली आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो गया। हाँ, ये बता दो, ये विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 पे ही वर्क करता है, विंडोज़ 11 पे
ये वर्क नहीं करता, आप ट्राई कर सकते हो सकता है वर्क करें, मेरे में तो ये वर्क नहीं किया। फिर इसको ऑन करो और ये रखो, ये सारे सेटअप इस पे गेमिंग का है, डायनामिक है, मूवी म्यूज़िक वॉइस पर्सनलाइज, आप खुद से भी इसमें अपने ऑडियो वगैरह को वो जो है सो इसके ग्राफिक्स इक्वलाइजर से सेट कर सकते हो। मैं इसका ऑडियो सुना देता हूँ आपको, ऑडियो इसका कैसा आ रहा है। ठीक है, मैं इसका ऑडियो सुना देता हूँ सबसे पहले आपको। ठीक है, तो पहले इसका साउंड सुना देते हैं। ये Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and आपके कंप्यूटर पे डॉल्बी डिजिटल प्लस एडवांस ऑडियो इंस्टॉल हो गया है, तो एंजॉय कीजिए इस हाई क्वालिटी साउंड का। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और एक चीज़ बता दूँ कि अगर इंस्टॉल करने के बाद भी अगर आपका ऑडियो काम नहीं कर रहा है तो फिर से आप ये प्रोसेस दोबारा से कर सकते हो। फिर से आप एडवांस स्टार्टअप पे जाओ और उसी तरह आपको डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर इन्फोर्समेंट को डिसेबल कर देना है और फिर से ट्राई करना है इसको इंस्टॉल करने का। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई में ये मेरा काम नहीं किया, दोबारा जब मैं इसको इंस्टॉल किया तो ये काम करने लगा। तो ये इसलिए भी मैं बता रहा हूँ, अगर फिर भी आपका ये काम नहीं कर रहा है तो फिर आप क्या करना, सीधे यहाँ पर से इसको रीस्टोर कर देना, इसके ऑडियो को यहाँ पर राइट क्लिक करना, मैनेज करना, मैनेज पर क्लिक करना, फिर यहाँ से उसी तरह डिस डिवाइस मैनेजर पे जाना और यहाँ पर वही साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोल, और यहाँ पर ये जो डॉल्बी अभी दिखाई दे रहा है ना, इस पर फिर से राइट क्लिक करना और अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना, ब्राउज द कंप्यूटर, फिर से लेट मी पिक फ्रॉम द कंप्यूटर। अब यहाँ पर देखो ये है रियल टेक का हाई डेफिनेशन ऑडियो, बस इसको सेलेक्ट करो और फिर से नेक्स्ट क्लिक करो। ये जो हमारा सिस्टम है ये फिर से इसके जो ओरिजिनल ड्राइवर्स है वो इस पर रीस्टोर हो गए, इसको फिर से वही आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा और आपका ऑडियो देखोगे कि फिर से काम करने लगेगा। अगर ये काम ना करे तो ठीक है, तो ठीक है, ये रहा आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, मेरे चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।